स्टार्ट। रेड और येलो और ये ब्लू। तो बस हम यहाँ आ गए थे स्टेशन पर। पिछला व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग ज़्यादती करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। और हमारी यहाँ से ट्रेन थी 6:30 बजे की, और जो है वो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे 5 बजे। तो 6:30 बजे की ट्रेन थी, तो हमारे पास काफ़ी टाइम था कि हम आराम से जो है वो बैठ के हम लोग रिलैक्स वगैरह हुए यहाँ पर। आई होप दैट यू आर लिविंग रियली वेल। मैं हूँ यहाँ स्टेशन पर। आज हम जा रहे हैं, आज है वेंसडे और आज हम जा रहे हैं कुम, ठीक है, मशहद से कुम जा रहे हैं। और हमारी ट्रेन है 6:30 बजे की, यहाँ पर बच रहे हैं 5। एंड मैं जो हूँ अभी यहाँ बैठी हुई हूँ, वेट कर रहे हैं हम लोग ट्रेन का। हम सब आ गए हैं और इंटरेक्शन मेरा इतना हो नहीं पा रहा है क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और अभी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ मुझे डालनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इतनी सारी वीडियोज़ को एडिट करूँगी, इसको डालूँगी, टाइम टू टाइम कैसे मैं चीज़ें मैनेज करूँगी पता नहीं। क्योंकि अभी मोबाइल चार्जिंग का भी बड़ा मसला होता है ना, तो तब जब आप ये वीडियो देखेंगे तब तो आपको काफ़ी वीडियोज़ दिख चुकी होंगी मेरी मशहद की उसकी। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम माई चैनल। और शॉर्ट्स देखे, मैं शॉर्ट्स भी अपलोड कर रही हूँ। बाकी आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि एडिटिंग और वो सब मैं और अच्छी कर सकूँ, ठीक है। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ अब हम एंटर हो रहे थे हाइपर मार्केट में, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एयरपोर्ट पर ही हूँ ईरान के, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल स्टेशन नहीं लगा था। ये बहुत अच्छा, बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड स्टेशन बनाया हुआ था। तो एंटर होते ही सबसे पहले मैं गई अपनी फेवरेट जेली सेक्शन की तरफ। सिर्फ मैंने देखा था, लिया नहीं कुछ भी। उसके बाद फिर ये मतलब पूरी सुपरमार्केट ही, तो यहाँ पर सब कुछ था, स्नैक्स, सॉसेजेस, मीट, जूसेस और बिस्किट्स। तो यहाँ पर ना जो मैंने जूस लिया ना, ओहो भाई, उसके बाद जो मेरी तबीयत ख़राब हुई है कुम में, मैं पूरा कुम में जो नज़ला खांसी में रहा है, बुखार रहा है मुझे, ट्रेन में भी मेरी हालत बहुत बुरी थी। तो मैंगो जूस ले लेता और ठंडा था, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ट्रेन से शुरू हो गए थे और कुम तक कराची आने तक रहे। चाहिए आपको खाना? ये रहा ले लो, ले लो, हमने ये रात में बहुत किया हमने रूम में लाके जो रखते थे चीज़ें। मुझे यार ये अच्छा लगा भी ना, जो अब इससे ना क्या हुआ, स्ट्रॉबेरीज मतलब वो नहीं हुई खराब, हमारे तो इतनी जल्दी खराब हो जाती हैं। तो मैं चेरीज लेनी है तो ले लूँ? नहीं नहीं, बस स्ट्रॉबेरी खा ली मैंने, बनाना है मेरे पास। चल ये देखिए वो लस्सी, इनके इनका योगर्ट हाँ ठीक नहीं है, लस्सी में ही है मीठा। फिर अब हम जा रहे थे अपनी ट्रेन की तरफ। हमारी ये वाली ट्रेन नहीं थी, हम लोग यहाँ से गए हैं, फिर हम लोग बेसमेंट गए, हम लोगों ने सीढ़ियाँ जो है हम लोग उतरे। बहुत मतलब रास्ता ऐसा था, पहली बार मैं कहीं ऐसे जा रही थी, ये वाली जो सामने खड़ी हुई हमारी ट्रेन थी ही नहीं। तो बस हम लोग जो है अपनी ट्रेन की तरफ जा रहे थे। मैं आपको सारा रास्ता दिखाती हूँ। ये थी हमारी ट्रेन, बिजनेस क्लास में हमने ट्रैवल किया इसमें, और सब कुछ अभी आगे दिखाऊंगी। आप लोगों ने देखा ना कि किस तरह से हम आए, हम लोग नीचे उतरे फिर आए। तो ये ट्रेन थी, और पहले तो कोविड से पहले ये होता था कि एक बुफे होता था, वहाँ जाके हमें रेस्टोरेंट में खाना होता था, लेकिन अब कोविड के बाद से जो है ना वो आपको अंदर ही लाकर देते हैं खाना वगैरह। बस अब हम लोग यहाँ पर सब अपने अपने उसमें जा रहे थे रूम्स में, ये मैं दिखा रही थी रूम्स, क्या बोलूँ, बोगी होती है, बोगी होती है, उसके बाद क्या होता है पता नहीं है, मुझे इतना नहीं पता।
हम लोग का तो नंबर था 30s में कुछ था, 38 37 करके, तो बस हम वहाँ एंटर हो रहे थे, ये था हमारा। अरे मैं वीडियो बनाई थी, हम बैठे हैं तो हमें पहले ये जूस देने आए थे, उसी के साथ साथ उन्होंने हमें ये सैलेड दे दिया था क्योंकि उसके बाद वो हमें खाना देने आने वाले थे। तो ये दोनों चीज़ें और बाकी जो चीज़ें थी ना वो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, अगर आप लोगों को देखना है तो आप मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हैं। ये खाना था, खाना इस ट्रेन का बहुत अच्छा था, चावल और चिकन मुझे बहुत पसंद आया। फर्स्ट टाइम मुझे ये था कि यार ये वाला खाना मैंने बहुत जी भर के दिल भर के खाया क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया। ट्रेन में मैं ज़्यादा रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी बहुत, तो बस अब हम पहुंच गए थे सुबह ही सुबह, यहाँ के बज रहे थे 5:30 हो रहे होंगे हाँ, और हम लोग अपने कुंभ में पहुंच गए। पूरी ट्रेन में मेरी तबीयत नहीं सही थी और मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरी आवाज़ से लग रहा होगा और मुझे बुखार हो रहा था, तो इसलिए बाकी ये तो हम जा रहे हैं शायद बस में बैठेंगे। और हम लोग ने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, हमें भूख भी लग रही थी और लेकिन यहाँ के रास्ते इतने लंबे होते हैं यार कि क्या मतलब क्या करें ये। लेकिन एक बात आप लोग यहाँ भी ये नोट करें कि इतना अच्छा लग रहा था, साफ़ सुथरी रोडें, सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा व्यू। तो मैंने बस ऐसी व्यू कैप्चर किया आप लोगों के लिए, आई होप कि आप लोग को ही पसंद आए। हो रही है भैया कहाँ बंद है, सर्दी हो रही है। जी के भाई का, बड़े भाई का, ओके इनके बेटे, अच्छा बराबर में ही है इनका। वहां पर ना ये कब्रें बनी हुई हैं, ये सब जिस पे हम चल के जा रहे हैं सब कब्रें हैं। बेटू ये क्या इनका, ये किनका नाम है, ताहिर बिन ज़ैनब, ताहिर बिन ज़ैनब, ओके। तो मैं जहाँ जहाँ जाती गई वहाँ वहाँ पर मैं नाम ना रिकॉर्ड मतलब बोलती गई ताकि मुझे याद रहे क्योंकि ऑफकोर्स फिर एकदम बहुत सारी जगह जाते हैं तो याद नहीं रहता, तो इसलिए आप लोग को सुनाई दिया होगा तो मैंने ये मुझे अच्छा लगा, शुक्र है कि मुझे याद रहा मैं बोलती गई, वरना मुझे अभी बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि मैं हम कहाँ कहाँ ये कहाँ कहाँ गए थे क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम ऑफकोर्स हो गया है यहाँ कराची आए हुए और ये व्लॉग्स थोड़े लेट हो गए क्योंकि मैं बिज़ी चल रही थी थोड़े दिनों से, तो इसलिए। तो अब हम यहाँ पर चढ़ रहे थे पहाड़ी क्योंकि हम मुकामे बीबी शहबानों पे आए थे और ये बिल्कुल ना पहाड़ चढ़कर है, डर तो लग रहा था लेकिन यहाँ के जो ड्राइवर्स ना वो प्रोफेशनल होते हैं तो उनको कोई मसला नहीं होता, तो इसलिए बस अल्लाह का नाम लेके हम चढ़ गए यहाँ पर और आगे आपको मैं सब बताऊँगी। बीबी शहबानों बहुत ऊपर जाना है यहाँ पर, ओ इतनी लंबी इतनी ज्यादा सीढ़ियाँ हैं वो, ओहो
पहाड़ कहीं भी बन सकता। और हम पहाड़ के अंदर सर्दी, अम्मा पापा ही बोलती पहुंचे हम सीढ़ियाँ कर सब आ रहे हैं। ओह गॉड, वाली मदद। वो है जरीब ने जो यहाँ नीचे क्या है देखे, नमाज की जगह। अच्छा मम्मा ये है चेयर, लेकिन बैठने के लिए तो है नहीं। हाय गाइस, हम लोग यहाँ पर हैं बीबी शेरबानो के उस पर, और यहाँ पर ना बहुत चढ़कर ऊपर आना पड़ा है हमें, मैंने आपको दिखाया होगा क्योंकि पहाड़ी पर है और यहाँ से पूरा तेहरान दिखता है। तो हम लोग वहाँ पर हैं और हम यहाँ से जा रहे हैं नीचे, क्योंकि अभी आपको दिखाऊंगी कितनी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, हम लोग कितनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ कर आए हैं और हमारी हालत देख रही हैं, मतलब बहुत कुछ खाया पिया भी नहीं है, जो ट्रेन में मिला था वही मिला था, उसके बाद यहाँ पर सब बंद है, 9 बज रहे हैं यहाँ के। तो अब हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं नीचे। अल्लाह, मुझे तो उतरने में ज़्यादा मसला हो रहा है भी नहीं। तेहरान दिख रहा है पूरा, तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम बहुत भूखे थे तो एक जगह हम रुके थे, लेकिन पता नहीं क्या उन लोग का कुछ था, हमसे तो खाया नहीं गया ना रोटी ना ही ये अंडा, पता नहीं क्या बनाया हुआ था। तो नाश्ता कुछ ऐसे ही हुआ, किसी से कुछ खाया नहीं गया सच। तो ये व्लॉग अभी यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।